नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, मेरे साथ हैं केसरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जाप प्रत्याशी रिंकू पाठक। आइए बात करते हैं। रिंकू पाठक, पूरा जुलूस निकाल रहा है, कैसा है माहौल? आपकी विधानसभा पार है, इस बार विधानसभा पार है। क्या रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स यही है कि जितने नौजवान हैं उन सबों के दिल में हम बसते हैं, और जितने गार्जियन हैं उन सबों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और सबों का स्नेह प्रेम से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी और बाढ़ से त्रस्त जो लोग हैं, जो विगत 50 सालों से जो बाढ़ आता है और गांव का गांव दह जाता है, लोग भूखे रहने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहला होगा यहाँ जो बाढ़ का निजात है, उसके लिए विधानसभा में आवाज उठाना, और इसके लिए अमरन अनशन पर बैठना पड़ेगा। मैं बैठूंगा विधायक बन के। लड़ाई किससे है, मुकाबला किससे है? कोई लड़ाई में नहीं है, सब पार हो गए, जिसका है कोई लड़ाई में नहीं है। आप कह रहे कोई लड़ाई में नहीं है। वहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं सालनी, वो कह रही हैं कि उनको पता नहीं है, उनसे सबकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई यही है कि 3 महीना की अडॉप्टेड नेता है, और हम बचपन से यही पैदा लिए हैं और यही पर चले लड़ते हैं। वो हमारी गांव की बहन जरूर है मेरी, लेकिन यहाँ चुनाव जीत के रहेंगी नहीं, और हम यही पैदा लिए हैं और सभी लोगों के बीच रहते हैं, और विगत 20 साल से राजनीति करते हैं, और मैं जमीनी नेता हूं और लोगों का काम करता हूं, और गरीबों के दिल में बसता हूं और नौजवानों के दिल में बसता हूं। लेकिन वो अपने पिता के नाम पर वोट मांग रही है, अपने पिता का हवाला दे रही है, उनके नाम पर वोट मांग रही है, घर घर जा रही है। वो तो उनके पिताजी मेरे गार्जियन तुल है, उनको नमन है मेरा, लेकिन अगर वो लोग होते तो आज केसरिया पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी से विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी नहीं हो जाता। केसरिया पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी था और यह विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी पर आके सिमट गया है। यही है उन लोगों का, और यहाँ के जो राजनीति किए हैं उन लोगों का विकास जो केसरिया में दिख रहा है। रिंकू पाठक जो अभी अपने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं, देखिए रिंकू पाठक अपने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।